नमस्कार, आप देख रहे हो गोल्डन बेस। साल 2020 की शुरुआत से सोने और चांदी की कीमतों में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है, और इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव से सोने और चांदी की कीमतों में काफी उछाल देखने को मिला है। लेकिन जब दोनों देशों में तनाव कम हुआ और इसी के साथ में अमेरिका और चीन के बीच में भी समझौता हुआ, तो सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। लेकिन एक बार फिर से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिली है। जी हां, अगर पिछले 10 दिनों की बात करें तो सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, और ऐसे में हजारों लोगों के मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि आखिर में ये तेजी क्यों आ रही है। तो आपको बता दें कि भारत के दिग्गज कारोबारियों का कहना है कि डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार गिरावट देखने को मिली, और इसके बाद आज भी रुपया 11 पैसे कमजोर हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि कमोडिटी बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में कोरोना वायरस फैलने की खबरों के बाद से विदेशी शेयर बाजारों में गिरावट रही है, जिसे कि निवेशकों ने सुरक्षित निवेश यानी कि सोने में निवेश किया है। वही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी और सोने की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। वही अगर बात करें कीमतों के बारे में, तो दिल्ली के सरप्पा बाजार में सोने की कीमत 40,807 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर पहुंच चुकी है, और इसी के साथ में अगर बात करें चांदी की कीमतों के बारे में, तो चांदी का भाव प्रति एक किलोग्राम के अनुसार 47,804 रुपए पर पहुंच चुका है। वही अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो लंदन एवं न्यूयॉर्क से मिली जानकारी के मुताबिक सोना हाजिर मंगलवार को $5 बढ़कर $1,566 प्रति औंस पर पहुंच चुका है। वही अगर आप भी सोने और चांदी के भावों को रोजाना प्राप्त करना चाहती है, तो सबसे पहले गोल्डन बीज को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर रोजाना सोने और चांदी के बारे में काम की बड़ी खबरें और उसके भाव देते रहते हैं। चलिए, तो इसी के साथ में मिलते हैं हमारी अगली बड़ी खबरों में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।